चिंता नहीं चिंतन करो। बहुत बड़ा सूत्र ये इस तरीके से सूत्र दिए गए हैं, चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। यानी हमारे साथ कोई घटना घटित हो गई, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति चल बसा और हम चिंता के अंदर रोने लग गए। चिंता करने से क्या होगा, आपके कर्जा चढ़ गया, आप चिंता करने लगे, आप बीमार हो गए, आप चिंता करने लगे, आपके एक्सीडेंट हो गया, आप चिंता करने लगे। मात्र चिंता से क्या होगा, चिंता चिता से बुरी है। यानी चिता तो एक बार जलाती है, लेकिन चिंता करने वाला हर क्षण दूदू होकर के अपने भीतर जलता रहता है। तो चिंता को दूर करने के लिए चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना, सोचो कि अब क्या करना है, इसका किस तरीके से समाधान करना है, वो किया जाना चाहिए। हमारे जीवन को भी देखें कि डे टू डे हमारे जीवन के अंदर कई तरह की परेशानियां होती है और हम दुखी होते हैं। उन सब परेशानियों का समाधान करने के लिए हमारी एक लिस्ट बनाओ कि हमको पहला ये जरूरी काम करना है, दूसरा ये जरूरी काम करना है, तीसरा ये जरूरी काम करना है। तो जैसे जैसे साधन मिलते जाते हैं वो आप काम करते रहो, काम को निपटाते करते हो, तो आपको लिस्ट बनते ही आपको चिंता काफी दूर हो जाएगी कि मेरे को तो मात्र कुल 10 काम करते हैं। एक दिन में एक काम करोगे तो भी वो 10 काम हो जाएंगे, जबकि आपने अगर लिस्ट नहीं बनाई, आपको पता ही नहीं कि मेरे चिंता के क्या कारण हैं, तो आप किस तरीके से निवारण करोगे। इसीलिए चिंता नहीं चिंतन करो, ये बहुत बड़ा फार्मूला है।